केदारनाथ से आ रही है। यहां भीमबली में भारी तबाही की खबर आ रही है। शुरुआती खबरों के मुताबिक भारी लैंडस्लाइड हुआ है। भारी बारिश के बीच लोगों में अफरा तफरी मच गई है। भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और सोनप्रयाग पार्किंग तक पानी का जो नदी का पानी है वो पहुंच चुका है पार्किंग तक। कुंड को बंद कर दिया गया है। इसी के साथ रामबाड़ा में भी नुकसान की खबर है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं सीएम पुष्कर सिन्हा भी फोन पर अधिकारियों से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई यात्री केदारनाथ मार्ग में फंसे हुए हैं। केदारनाथ से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ से बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर बादल फट गया है, जिसके बाद और ज्यादा पानी पूरे इलाके में पानी हो गया है। हालात का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों से फोन पर कांटेक्ट करके ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, पल पल की जानकारी। सोनप्रयाग पार्किंग तक नदी का पानी पहुंच चुका है क्योंकि मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ गया है। भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ा है और लैंडस्लाइड की भी खबर आ रही है, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई है। जगह है भीमबली, केदारनाथ के भीमबली में तबाही की खबर आ रही है। 3 तस्वीरें भीमबली में तबाही की खबर आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मंदाकिनी उफान पर है। मंदाकिनी की जो लहरें हैं वो डराने वाली हैं। इस वक्त भारी बारिश के बाद तबाही की खबर आ रही है। नुकसान कितना ज्यादा हुआ है, क्या जनहानि भी हुई है या नहीं, अभी तक ये खबर सामने नहीं आई है। पुख्ता तौर पर कोई बात नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड की वजह से नुकसान हुआ है। नुकसान किस तरह का हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी आप देख रहे हैं, जो अधिकारियों से इस वक्त फोन पर संपर्क में हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि तुरंत ही राहत कार्य शुरू किया जाए, जिसके बाद राहत कार्य शुरू भी कर दिया गया है। और यहां पर मौके पर अधिकारी मौजूद है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। मंदाकिनी उफान पर है, एहतियातन भी कदम उठाया जा रहा है। नदी के आसपास के लोगों को पहले ही एहतियातन चेतावनी दे दी गई थी कि कोई भी नदी के आसपास न जाए। इसी बीच भारी बारिश के बाद स्थिति और भी ज्यादा विकराल हो गई। रात की ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको और यही उम्मीद सभी कर रहे हैं कि नुकसान ज्यादा ना हुआ हो, यही प्रार्थना सभी कर रहे हैं कि नुकसान ज्यादा ना हुआ हो। केदारनाथ के भीमबली में लैंडस्लाइड की खबर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ टिहरी में बादल फटने की खबर है। घनसाली के जखनियाली के पास बादल फटने की खबर है। नौताद गदेरी की बात है जहां पर बादल फटा है, ये बताया जा रहा है। दो लोगों के शव बरामद हुए हैं, एक लापता होने की खबर है। घनसाली चिरबीटिया को जोड़ने वाली पुलिया भी बह गई। एसडीआरएफ पुलिस और आपदा राहत टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। सौरभ सिंह हमारे सहयोगी टिहरी से ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, दो लोगों की मौत की खबर आ रही है, उनके शव बरामद कर लिए गए हैं, एक लापता है, वो कौन है और क्या जानकारी आपके पास है? जी, मैं आपको बता दूं, जो लगातार बारिश चल रही है उसकी वजह से घनसाली जो हमारा सीमांत क्षेत्र है टिहरी जिले का, वो आपदा की दृष्टि से भी सेंसिटिव है। और यहाँ पर जखनाली नौताड़ के पास जो है बादल फटा है, जिससे जो नौताड़ गदेरा है वो काफी उफान पर आ गया था, जिससे आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर काफी ज्यादा पानी आ गया था और मलबा भी आ गया था, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिसमें से अभी एसडीआरएफ और जो पुलिस और जो आपदा राहत की टीम है मौके पर पहुंच चुकी है और 2 लोगों की बॉडी अभी तक बताया जा रहा है, जो सूचना मिल रही है कि वो रिकवर कर ली गई है और एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं ये लोग, जिसमें महिला पुरुष और एक उनका बेटा बताया जा रहा है। और एसडीआरएफ और पुलिस जो है लगातार वहां पर को आपदा राहत कार्य में जुटी हुई है, लेकिन बारिश के चलते काफी परेशानी हो रही है। एक जो व्यक्ति अभी भी मिसिंग बताया जा रहा है, जिसको लगातार खोजबीन की जा रही है, लेकिन बारिश और अंधेरा होने के चलते काफी दिक्कतों का सामना जो आपदा राहत टीम है उसको करना पड़ रहा है। बिल्कुल सौरभ, और पहले ही मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया था। 31 जुलाई, 1 और 2 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई थी और अब वो बारिश की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। रात की वजह से यहां पर परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक ही परिवार के 3 लोग जो कि इसकी चपेट में आ गए बादल फटने के बाद, 2 के शव बरामद किए गए हैं, तीसरे की तलाश चल रही है।
नोएडा में थोड़ी बारिश के बाद भीषण जाम से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ग्रेटर नोएडा से नोएडा को जोड़ने वाले सड़क पर हजारों गाड़ियां फंस गई। बारिश के बाद ट्रैफिक लाइट खराब होने की वजह से यहां पर जाम लग गया। विश्वकर्मा मार्ग पर कई घंटे तक लोग फंसे रहे। नोएडा की कई सड़कों पर लगभग यही स्थिति देखने को मिली। थोड़ी सी बारिश के बाद ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। कई इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप हो गई थी, जिसकी वजह से भी सिग्नल ने काम करना बंद कर दिया और जाम की समस्या से लोगों का सामना हुआ। और नोएडा में बारिश के बाद ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने खुद सड़क पर उतरे। बारिश के बीच ज्वाइंट सीपी खुद ट्रैफिक व्यवस्था को सही करते दिखे। ये नोएडा की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। आपको हमने दिखाया कि किस तरह से नोएडा के लगभग हर इलाके में बारिश के बाद ट्रैफिक सिग्नल बंद होने की वजह से जाम की समस्या लोगों के सामने आ गई। और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ ज्वाइंट सीपी खुद भी ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए बारिश के बीच ही सड़कों पर उतर आए। इधर ग्रेटर नोएडा में तेज बारिश के बीच जिम की छत गिर गई, जिससे वहां मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। हादसे में दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के दौरान जिम के अंदर कम ही लोग मौजूद थे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को मलबे से बाहर निकाला। हादसा तुगलपुर नॉलेज पार्क का है। लखनऊ में ताज होटल के पास पानी में हुड़दंगियों ने एक लड़की के साथ बदसलूकी की थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। इस मामले में लखनऊ पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर दो आरोपियों पवन यादव और सुनील कुमार को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इस मामले में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस कमिश्नर लखनऊ को सख्त एक्शन के निर्देश दिए थे। लखनऊ पुलिस ने दो आरोपी पवन यादव और सुनील कुमार को गिरफ्तार किया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सलाखों के पीछे इन दो लड़कों को आप देख रहे हैं, जो हाथ जोड़े बैठे हैं, बेबस नजर आ रहे हैं। दूसरे वीडियो में यही वो दो लड़के हैं जो छेड़खानी कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। एक लड़की जो एक शख्स के साथ बाइक से गुजर रही थी, उस पर पानी इस कदर डाला गया कि बाइक बैलेंस खो गई और उसके बाद बाइक समेत ये दोनों ही गिर पड़े थे। तो बदसलूकी की ये तस्वीर, बदसलूकी का ये वीडियो, जिसके बाद पुलिस ने लिया एक्शन और अब ये दो सलाखों के पीछे, बाकियों की भी तलाश चल रही है। इधर लखनऊ में तेज बारिश की वजह से सड़क धंस गई। लखनऊ के सर्वोदय नगर बंधा रोड लवकुश नगर में सड़क धंस गई। सड़क धंसने की सूचना पर पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पीडब्ल्यूडी बिजली विभाग की लापरवाही बता रहा है। लखनऊ में हुई बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। पूरा लखनऊ आज पानी पानी हो गया। वीआईपी इलाके भी पानी में डूबे नजर आए। शहर का हर इलाका जलमग्न था। बाजारों में पानी, सड़कों पर पानी, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नगर निगम की तस्वीर। नगर निगम के दफ्तर में भी पानी भर गया, विधानसभा के दफ्तर में पानी भर गया। जितनी भी अहम सड़कें थी वो जलमग्न नजर आईं। तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज बारिश के बाद पूरी व्यवस्था ही चरमरा आ गई। नगर निगम ने दावे किए थे कि मानसून की तैयारी मुकम्मल है, लेकिन तैयारी किस तरह की रही होगी वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लखनऊ में हुई बारिश ने प्रदेश की सबसे वीआईपी जगह विधानसभा में भी पानी भर दिया। विधानसभा के गेट नंबर 7 से पानी भरना शुरू हुआ। बेसमेंट तक पानी भरता चला गया। विधानसभा में भरे पानी को निकालने के लिए बाल्टी और वाइपर का इस्तेमाल किया गया। विधानसभा में पानी की तस्वीरें न्यूज 18 पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बाल्टी और वाइपर की मदद से पानी निकाला जा रहा है। तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये विधानसभा की तस्वीरें हैं। गेट नंबर 7 पर जल भराव, सबसे पहले वहीं से जल का भरना शुरू हुआ, जल भराव शुरू हुआ और फिर बेसमेंट तक पानी पहुंचने लगा। पानी इतना ज़्यादा हो गया कि बाद में इसे निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी कर्मचारियों को।
ये वो जगह है जहां से उत्तर प्रदेश की किस्मत लिखी जाती है, जहां से नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, जहां पर योजनाएं बनाई जाती हैं और प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में कई बड़े फैसले लिए जाते हैं। लेकिन उस जगह पर ही देखिए किस तरह से पानी पानी आज वो जगह नजर आई। ताज नगरी आगरा को कुछ घंटे की बारिश ने तालाब बना दिया। आगरा के वीआईपी रोड, खेड़िया मोड़ और कई कॉलोनी में जलभराव की वजह से लोग परेशान रहे। गंदा पानी लोगों के घरों दुकानों में घुस गया। बारिश के बाद नाले ओवरफ्लो होने लगे, शहर दरिया में तब्दील हो गया। जलभराव होने से कई गाड़ियां जगह जगह फंस गई, खराब हो गई। नगर निगम के अधिकारियों के दावों की कुछ घंटे में ही पोल खुल गई। मथुरा की स्थिति भी लगभग ऐसी रही। बारिश ने लोगों की मुसीबत यहां भी बढ़ाई है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पर रोड पर जलभराव की वजह से प्रेम मंदिर इस्कॉन टेम्पल के सामने जलभराव हो गया और यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली में भी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। नई दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे सड़क पर पानी ही पानी है। बाइक तो जगह जगह जाम हो गई। कार आप देखिए किस तरह से कार का पहिया पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। कई जगहों पर गाड़ियां खराब हुई जिनकी वजह से जाम का भी सामना करना पड़ा। खबर हरिद्वार से, यहां बारिश के बाद बरसाती नदी में पानी आ गया। सूखी नदी में खड़ा कांवड़ियों का ट्रक बह गया। ट्रक बहने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, ये अच्छी खबर है। खड़खड़ी के पास ट्रक फंसा था। महीने भर पहले भी यहां 9 गाड़ियां बह गई थी और आज ट्रक बह गया। देर शाम हुई भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए और उसी दौरान की ये तस्वीर है। हरिद्वार का नाम बदनाम करवाया जाता है। हल्द्वानी से खबर, यहां कालाढूंगी के नाले में कार बह गई। कार सवार 2 युवक हालांकि बाल बाल बच गए। पहाड़ों में बारिश के बाद नाले उफान पर हैं। कालाढूंगी पुलिस मौके पर पहुंची है। बारिश के बाद हालात लगातार खराब दिख रहे हैं। जालौन में खेलते समय तालाब में डूबने से 3 साल के एक मासूम की मौत हो गई। मामला कदौरा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और उसी दौरान वो तालाब के पास गया और गिर गया। वहीं आगरा में तालाब में डूबने से एक लड़के की मौत हो गई। तालाब में नहाने के दौरान हादसा हुआ। ताजगंज क्षेत्र का ये मामला है। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।